अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेस मार्क्स के बारे में मुझे टेक्स्ट करते हैं कि ग्रेस मार्क्स कितने मिलेंगे और किस बच्चे को मिलेंगे, किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स बोर्ड वाले देते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ये, बिकॉज आपको पूरा पता चलेगी कि ग्रेस मार्क्स कैसे दिए जाते हैं। तो देखो, पहली बात, पहला सवाल यह आता है कि बोर्ड वाले इस साल ग्रेस मार्क्स देंगे क्या। देखो, ग्रेस मार्क्स हर साल दिए जाते हैं, जिसको ग्रेस मार्क्स या स्टैचू मार्क्स बोलते हैं। तो ग्रेस मार्क्स या स्टैचू मार्क्स वो हर साल दिए जाते हैं, तो इस साल भी इंशाल्लाह दे दिए जाएंगे। अब दूसरा सवाल यह आता है कि कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो आपको एक से लेके पांच तक, ठीक है, मिनिमम वन, मैक्सिमम फाइव मार्क्स। पांच से ज्यादा एक मार्क्स भी नहीं मिलेगा आपको ग्रेस मार्क्स, तो सिर्फ वन टू फाइव आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब ये सवाल भी आता है कि किस बच्चे को मिलेंगे। तो ग्रेस मार्क्स ऐसे बच्चों को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल देखो, आपके दिमाग में ऐसा कुछ ना हो कि लाइक अगर मेरे टोटल पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला के 460 बनते हैं, बोर्ड वाले पांच मार्क्स देके 465 कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसे बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। या अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके पांचों के पांचों सब्जेक्ट्स पास होंगे, उसको भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। मतलब अगर उसके सिर्फ पासिंग मार्क्स ही क्यों ना हो हर एक सब्जेक्ट में, उसको भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते। अब ग्रेस मार्क्स मिलते तो मिलते किसको है? देखो, ऐसा बच्चा, फॉर एग्जांपल हमें कोई सब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल उसके पास पांच सब्जेक्ट है, तो पांच में से उसके चार जो है वो पास है, लेकिन उसका जो एक सब्जेक्ट है उसमें उसके तीन मार्क्स कम है पासिंग मार्क्स के लिए, तो उसको तीन मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब उसी सब्जेक्ट में उसके चार मार्क्स पेंडिंग है, तो उसको ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे और उसको पास कर दिया जाएगा। अगर उसके पांच मार्क्स पेंडिंग है, तो उसको पांच मार्क्स दे दिए जाएंगे और उसे कहा जाएगा कि जा भाई, तू पास है। ठीक है, अब अगर उसके छह मार्क्स पेंडिंग है, ठीक है, तो छह मार्क्स पे उसको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। वो अगर बताएगा कि बोर्ड वाले छह मार्क्स दे ही देंगे, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं होती, वो सब्जेक्ट आपका रेपियर होगा। अब कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके तीन सब्जेक्ट तो पास हो रहे हैं, लेकिन जो दो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट में उसके तीन मार्क्स पेंडिंग है और दूसरे सब्जेक्ट में उसके दो मार्क्स पेंडिंग है, तो दोनों में उसको ग्रेस मार्क्स देके एक में तीन एक में दो, तो उसके जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं पास कर दिए जाएंगे। अब अगर ऐसा होगा कि एक सब्जेक्ट में तीन मार्क्स है, दूसरे सब्जेक्ट में भी तीन मार्क्स है, ये टोटल बनते हैं सिक्स, तो उसको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स तब आपको दिए जाते हैं जब आपके टोटल मार्क्स जो पासिंग मार्क्स के करीब, मतलब मार्क्स आपके पेंडिंग हो, वो टोटल में सिर्फ एक से लेकर पांच हो, से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ग्रेस मार्क्स किसको दिए जाएंगे। इस साल तो इंशाल्लाह पक्का आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, जो भी बच्चा एलिजिबल होगा, और ये कि कैसे दिए जाते हैं ग्रेस मार्क्स और कितने मार्क्स दिए जाएंगे। बाकी मैं आपको ये भी बताना चाहूं, जो भी आपकी मार्किंग होगी वो इंशाल्लाह बहुत लीनियंट होगी, तो आप ये टेंशन नहीं लेना कि कितने मार्क्स होंगे, क्या होगा, वो होगा, ये होगा। अब दिमाग से इस चीज को मेहरबानी करके निकालो और चिल करो, ठीक है। रिजल्ट विल बी अनएक्सपेक्टेड, वो मैं अभी भी बोल रहा हूं, पहले से बोलता आ रहा हूं, रिजल्ट विल बी अनएक्सपेक्टेड फॉर ऑल ऑफ यू। जिसको कम मार्क्स एक्सपेक्टेड होंगे, उसके इंशाल्लाह ज्यादा मार्क्स होंगे उसके एक्सपेक्टेशन से, तो मेहरबानी और मेहरबानी करके टेंशन ना लो। अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर, शेयर करो हर एक बच्चे के साथ ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। सो बाकी हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं आप किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।